बेटी के प्रेम विवाह करने से संतप्त पिता ने भाई और उसके मित्र की मदद से बेटी को अगवा कर दिया। यह वारदात गिट्टी खदान थाने की है। पुलिस ने युवती के पिता, चाचा और उनके मित्र को गिरफ्तार किया है। उनके चंगुल से युवती को मुक्त कराया गया है। पीड़ित 28 वर्षीय एक प्राइवेट कंपनी में प्रशिक्षणार्थी के तौर पर काम करती हैं। उसका पति हैदराबाद की एक कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। दोनों ने अपने परिजनों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। लड़की के परिजनों ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 16 अक्टूबर 2023 को दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों गिट्टी खदान थाना परिसर में रहने लगे। मंगलवार की शाम 7 बजे लड़की घर के पास स्थित किराना दुकान में सामान खरीदने के लिए गई थी। इसी वक्त कार क्रमांक W06F7025 में सवार होकर लड़की के पिता अपने भाई और मित्र के साथ वहां पर पहुंचे और उसे जबरन कार में बिठाकर ले जाने लगे। यह देख पति लड़की को बचाने दौड़ा। आरोपी पति को धक्का देकर मोनिका के साथ फरार हो गए। पति ने गिट्टी खदान पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने वर्धा और चंद्रपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया। चंद्रपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर लड़की को मुक्त कराया व आरोपियों को हिरासत में लिया। तेलंगाना मधुन, करीमनगर तेलंगाना मधुन एक लव मैरिज करून एक पति पत्नी ते राहण्यास आले होते। हजारी पाडच्या भागामध्ये ते राहत होते आणि त्यांनी तिथे प्रेम विवाह केल्यानंतर संबंधित पोलीस स्टेशनला माहिती दिली होती। त्यांच्या पालकांना कळवण्याबाबतही त्यांनी सांगितले होते, परंतु त्यांच्या घरच्यांचा यांच्या प्रेम विवाहास विरोध होता, त्यामुळे ते इथे येऊन राहत होते। त्यांच्या घरच्यांशी संपर्क होत नव्हता। तर 2 दिवसापूर्वी संध्याकाळी 7 वाजेच्या दरम्यान ज्यावेळेस ती मुलगी तिच्या कामावरून घरी आली, पतीसह घरी आली आणि त्यांची गाडी बिल्डिंगमध्ये लावून किराणा दुकानामध्ये काही सामान घेण्यासाठी गेले, तेव्हा त्या मुलीचे वडील, त्याचे काका आणि नागपूर स्थित त्यांचा एक मित्र अशा तिघा जणांनी तिला बळजबरीने गाडीमध्ये बसवून इथून ते तिला घेऊन गेले होते। त्याबाबत तिच्या पतीने पोलीस स्टेशनला माहिती दिल्यावर IPC 365/34 अंतर्गत आम्ही गुन्हा दाखल केला होता आणि इथून तिला घेऊन जात्यानंतर आम्ही जी काही गोपनीय माहिती प्राप्त केली त्यानुसार ती गाडी करीमनगरच्या दिशेने जात असल्यावर माहिती मिळाली आणि चंद्रपूर ग्रामीण पोलिसांच्या मदतीने आम्ही त्या गाडीला बल्लार शहाजवळ पकडले। त्यामध्ये ती मुलीची आम्ही सुटका केलेली आहे आणि तिन्ही आरोपी आम्ही ताब्यात घेऊन त्यांना या गुन्ह्यात अटक केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।